देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक कंपनी आजादी से पहले शुरू हुई और आज भी अपना विश्वास लोगों के बीच बनाए हुए है। इस ब्रांड ने आजादी की लड़ाइयां और अंदरूनी उतार चढ़ाव तो देखे ही, लेकिन देश के साथ साथ आगे बढ़ती गई। 10,000 करोड़ के रेवेन्यू वाली ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन और 5th FMCG कंपनी है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाजारोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं टावर इंडिया के बारे में, तो चलिए डिटेल से जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई 1884 में, जब हमारे प्यारे भारत पर अंग्रेजों का शासन था और देश की राजधानी थी कोलकाता। उस समय हैजा और मलेरिया बहुत तेजी से फैल रहा था। एक तरफ तो अंग्रेजों की क्रूरता थी, तो दूसरी तरफ ये महामारियां देशवासियों को विकट परिस्थिति में डाल रही थी। कहते हैं जहां अंधेरा होता है वहां उम्मीद की किरण भी जरूर नजर आती है। ये उम्मीद की किरण डॉक्टर एस के वर्मन के रूप में सामने आई। डॉक्टर एस के वर्मन देशवासियों के लिए इन बीमारियों से लड़ने का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वे अपनी कोशिश में कामयाब भी हुए। उन्होंने जड़ी बूटियों से ही हैजा और मलेरिया में कारगर साबित होने वाली दवाई बना डाली। उनकी ये दवाई कोलकाता में ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी फैलने लगी। डॉक्टर वर्मन की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्हें 1896 में एक फैक्ट्री खोलनी पड़ी। कोलकाता के लोग डॉक्टर वर्मन को डॉक्टर वर्मन कहा करते थे, तो डॉक्टर वर्मन ने डॉक्टर का डा और वर्मन का बर को मिलाकर कंपनी का नाम डावर रखा। 1907 में डॉक्टर वर्मन की मृत्यु हो गई तो डावर की जिम्मेदारी उनकी अगली पीढ़ी पर आ गई। डावर ने 1949 में हम सभी का जाना माना ब्रांड डावर च्यवनप्राश को लॉन्च किया। बाद में 1972 में डावर ने साहिबाबाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला। डावर ने 1994 में अपना फर्स्ट IPO जारी किया, जो 21 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया। 4 साल बाद 1998 में डावर को परिवार से निकालकर प्रोफेशनल्स के हाथ में सौंप दिया गया। डावर ने 2005 में बलसारा ग्रुप को एक्वायर किया। इसी तरह 2008 में फेम, 2010 में हॉबी कॉस्मेटिक्स और आगे चलकर एक बड़ी फार्मा कंपनी अजंता फार्मा को 2011 में एक्वायर किया। डावर ने अपने प्रोडक्ट्स को मेनली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, जिसमें हेल्थ केयर, फैमिली प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट शामिल हैं। डावर लगभग 250 से भी ज्यादा ब्रांड्स को ओन करती है, जिसमें मेनली डावर च्यवनप्राश, डावर हनी, डावर रेड टूथपेस्ट, वाटिका, हाजमोला, रियल फ्रूट जूस और ग्लूकोज डी एक्सेट्रा शामिल है। डावर का फोकस इनोवेशन और तुरंत फैसले लेने पर है। यही वजह है कि कॉम्पिटिटर्स के शुरू करने